भारत में भले ही ईरान के केसर की मांग हो, लेकिन दुनिया तो कश्मीर की धरती के केसर की ही दीवानी है। जिसने एक बार कश्मीर की धरती का केसर इस्तेमाल कर लिया, वो हमेशा उसका ही मुरीद हो जाता है। जम्मू कश्मीर में दूर दूर तक केसर की खेती होती है। धारा 370 के हटने के बाद विकास की धारा वहां बहने लगी है। ऐसे में किसानों को उम्मीद है कि इस साल उनका खेत भी सोना उगलेगा। खासकर पंपोर पुलवामा के किसान तो बेहद उत्साहित हैं। पुलवामा के अलावा बडगाम, श्रीनगर, किश्तवाड़ में भी केसर की खेती इस बार बेहतरीन होने की उम्मीद है। बीते कई सालों में सरकारों की अनदेखी, खेती की पुरानी तकनीक और पानी की कमी के चलते खेतों में केसर की फसल लगातार कम होती गई। अब मोदी सरकार ने केसर के किसानों के लिए एक के बाद एक कई कदम उठाने शुरू किए हैं। कश्मीरी केसर की अलग पहचान बनाए रखने के लिए इसे हाल ही में GI टैग दिया गया है, जिसकी किसान 3 दशकों से मांग कर रहे थे। किसान इससे बेहद खुश हैं। कुछ साल पहले किसानों के लिए सैफ्रॉन मिशन भी लॉन्च किया गया, जिसके कई मिले जुले नतीजे सामने आए। लेकिन अब जल्द ही किसानों को स्पाइस पार्क के रूप में बहुत बड़ा तोहफा मिलने जा रहा है। पुलवामा में जो स्पाइस पार्क बनाया गया है वो बेहद ही अहम है। ये एशिया का सबसे बड़ा स्पाइस पार्क है। यहाँ केसर के किसानों को वो सभी सुविधाएं मिलेंगी जिनसे केसर की गुणवत्ता कायम रहेगी और उन्हें अपनी फसल का बेहतरीन दाम भी मिल पाएगा। स्पाइस पार्क में सैफ्रन की गुणवत्ता जांचने के लिए आधुनिक मशीनों से लैस लैब को तैयार किया गया है। यहाँ सैफ्रन के अलग अलग पैरामीटर्स की जांच की जाती है। इसके बाद इनकी गुणवत्ता के आधार पर इनकी ग्रेडिंग होती है। केसर की गुणवत्ता उसके सूखने के तरीके पर निर्भर करती है। अधिकतर किसान केसर सुखाने के लिए दूसरे राज्यों में जाते हैं, जिससे केसर की गुणवत्ता बिगड़ने लगती है। लेकिन स्पाइस पार्क की लैब में केसर स्टिग्मा को ड्राई करने पर उसकी गुणवत्ता बरकरार रहेगी। केसर का फूल यदि सूख जाए तो उसमें से स्टिग्मा यानी असल केसर निकालना बेहद मुश्किल काम हो जाता है और किसानों के लिए ये एक बड़ी दुविधा होती है। किसानों की इस मुश्किल को ही देखते हुए पंपोर के सैफ्रन पार्क में कोल्ड स्टोरेज बनवाए गए हैं, जहां केसर के फूलों को स्टोर करके रखा जा सकता है। 370 के खत्म होने के बाद केंद्र सरकार सीधे तौर पर कश्मीर से जुड़े जमीनी मुद्दों को हल कर पा रही है। पीएम मोदी तो वैसे ही देश के अलग अलग इलाकों की क्षेत्रीय खूबियों, वहां के उत्पादों की ब्रांडिंग पर न केवल जोर देते हैं बल्कि उसके लिए खुद पूरी कोशिश करते हैं। कश्मीर में केसर की खेती को सरकार की तरफ से दिया जा रहा सपोर्ट भी इसी की वानगी है।